नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज इको पार्क घूमने के लिए आया हूँ। इको पार्क न्यू टाउन कोलकाता में स्थित एक शहरी पार्क और भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क 480 एकड़ भूमंडल में फैला हुआ था, जो वहाँ की सुंदरता और बढ़ा देता है। इस पार्क का निर्माण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने साथ गैर प्रदूषण को प्राकृतिक परिषद के संरक्षण में फोटो खींच दो। रैंडम पीपल का मैं फोटो खींचता हूँ, फोटो खींच दो, उसके बाद शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे ले ले, मनी लगेगा। अरे नहीं भाई, फ्री फ्री। अरे ब्रो, हाँ डीएसएलआर। इको पार्क में घूमने के लिए घास का मैदान, रोज गार्डन, ट्रॉपिकल ट्री गार्डन, हर्ब गार्डन, बांस का जंगल, संगीत फवारा, फलों का बगीचा, वाटर लाइफ पार्क, फूड पार्क, बंगलार हाट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है मिस्ट गार्डन, फॉग टाइप का कुछ दिखाया गया था। ये है फाउंटेन, यहाँ पे रैंडम क्लिक्स मैंने किए हैं। बहुत सुंदर जगह है और घूमने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए यहाँ पर। मैं इको पार्क घूमने के लिए गया था और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने रैंडम फ़ोटोशूट्स लिए हैं स्ट्रेंजर्स के, तो पहली बार था और ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वाह, तो आगे भी मैं इस तरह का कंटेंट बनाया करूँगा। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और इको पार्क बहुत बड़ा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। 1 2 3 आनंद फोटोग्राफी 97 के नाम से। क्या दिखाना है? ये वीडियो यहाँ से जाने हैं। अभी ये शाम हो गया है और यहाँ पर बहुत सुंदर क्लिक्स मैंने लिया है। तो ये सब आपको कैसा लगा, पसंद आया तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है और बहुत वर्थ इट है। बाय। ये मैं एक बार पहले यहाँ पे देखा, ये जैपनीज गार्डन, ये प्लेस तो रात में क्लियर नहीं था। यहाँ पर रेस्टोरेंट में मैं खाना खाया। अभी फिलहाल मैं इको पार्क में हूँ और ये एफिल टावर के सामने। अभी रात हो गया। ये एफिल टावर है जो कि रात में कुछ ऐसा दिख रहा था, एफिल टावर का एक मिनिएचर वर्जन। अभी सुनसान रोड पे अकेले चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर 6 नंबर गेट पे निकलूँगा और उधर से बस मिलेगा और उसके बाद बैक टू होम।